I will tell you about the technical difference between insuring and hedging. Both are the ways through which we can manage risk in order, by transferring the risk to some other parties. So there is one bas basic difference between hedging and insuring. Uh, in when we go for hedging, we are in order to avoid a certain loss, we do avoid the potential gain as well. But in the case of insurance, वी डू नाट लूज़ द पोटेंशल गेन वी पे प्रीमियम सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेजिंग एंड इंश्योरिंग हैजिंग के कॉन्टेक्स में आप अपनी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिस के थ्रू आपको लग रहा होता है कि मुझे इसमें रिस्क हो सकता है इसमें रिस्क इन्वाल्व है और मुझे इससे नुकसान हो सकता है आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रमेंट को ही फॉर्वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्यूचर्स के थ्रू आप उसको किसी को बेच देते हैं तो उससे आपको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा जाहिर है आपने उसको सेल कर दिया हावे वेन यू आर गोइंग फॉर इंश्योरिंग तो इंश्योरेंस के अंदर आप उस चीज़ उस पर्टिकुलर एसेट से को नहीं निकाल देते बेच नहीं देते सेल नहीं कर देते आप उसको अपने पास ही रखते हैं उसकी एडवांटेज आपको ही मिलेगी जब भी आप उसको कोई फ़ायदा उसका पहुंचेगा बस आपको एक एडिशनल प्रीमियम जो है वो उसके ऊपर पे करना पड़ता है दैट इज़ द

He might give you two options. वो कह रहा है आपने suppose आप छः माह पहले advance में टिकट buy कर रहे हैं तो आपने book करा दी है और अब आपके पास दो choices हैं या तो आप अभी payment कर दें उस टिकट की जितनी भी उसकी कीमत होगी या आप बोलें कि जब अभी मेरे लिए बुक कर दो रिज़र्व कर दो और मैं जब मैंने ट्रैवल करना होगा छः माह के बाद मैं पेमेंट उस वक्त करूँगा तो अब आप क्या करे हो कि इफ़ यू आर पेइंग नाउ तो यू आर लॉकिंग द प्राइस कि आपने अभी पेमेंट कर दिया आपने रिस्क नहीं लिया और जब जब आपने छः माह के बाद ट्रैवल करना है अगर आप उस टाइम के ऊपर पेमेंट करते हो टिकट का तो उसमें आपको मसला हो सकता है रिस्क का वो क्या है कि हो सकता है कि करीब ट्रैवल के आपको जो कीमतें हैं एयर टिकट जो है वो आपको महंगा मिले हो सकता है उसकी कीमत नीचे जा चुकी हो तो देर इज़ अ रिस्क रिवॉल्व तो आपके पास दो ऑप्शन हैं या तो आप एडवांस पेमेंट कर दें और अभी से उसको लॉक कर दें गिवन जो भी आपको प्राइस कोट हो रही है उसके ऊपर आप पेमेंट कर देंगे तो इफ़ यू आर डूइंग इट ना ओ यू आर हैजिंग योर सेल्फ अगेंस्ट द एक्सपोजर टू दिस फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द एयर टिकट आफ्टर विच यू आर गोइंग टू यूज आफ्टर सिक्स मंथ्स और अगर आप अभी नहीं ले रहे आप फ्यूचर में लेने जा रहे हैं तो हो सकता है कि अगर आपको अभी कोट की है ट्रैवल एजेंट ने सपोज एक लाख रुपए का टिकट लाहौर से लंदन का तो हो सकता है कि उस वक्त वो नबे हज़ार का हो तो ने अभी लॉक करके हेज करा आपने आपको प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द एयर टिकट लेकिन आपने फॉर गो कर दिया बेनिफिट कि अगर वो नबे हज़ार का हो जाएगा तब जब आपने जाना है एक्चुअली तो आपको दस हजार रुपये का फ़ायदा होगा तो हेजिंग के कॉन्टेक्ट्स में आप अपने पोटेंशल बेनिफिट को लूज करते हैं अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए इन द अदर केस जो मैंने आपको इंश्योरिंग की पॉसिबिलिटी बताई कि यू माइट गो फॉर देर आर सम पीपल हु गो फॉर इंश्योरिंग इंश्योरिंग में क्या है कि अगर इसी एग्जाम्पल में हम इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ तो द ट्रैवल एजेंट माइट ऑफर यू कि अगर आप हमें बीस डॉलर अभी दे दें तो आपको तब भी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर ही कीमत अदा करनी पड़ेगी तो वो आपको बफर दे रहा है कि ये वाली रेंज है इसके दरियान में ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको लाहौर टू तो लंडन का ट्रैफिक का एयर टिकट मिल जाएगा मगर उसमें आपको सपोज़ वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि पचानवे डॉलर पचानवे हज़ार रुपये से एक लाख रुपए तक के दरमियान में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप अभी हमें बीस हजार रुपये एक्स्ट्रा दे देते हैं और इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप ए, आपको वो इंश्योरेंस ऑफर कर रहा है तो इंश्योरेंस में आप प्रीमियम पे करते हो और यू विल हैव यू रिड्यूस योर रिस्क एक्सपोजर टू रिस्क बाय पेइंग द प्रीमियम थ्रू बाइंग इंश्योरेंस ऑन द कॉन्ट्री वी कै वी कैन हैव एन अदर ऑप्शन विच इज़ कॉल्ड हैजिंग जिसमें आप अपने आप को रिस्क से एक्सपोजर को बचाने के लिए आप अपनी पोटेंशियल बेनिफिट को भी फॉरगो कर देते हैं तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्टो दोनों के कॉन्टेक्ट्स में आप uh, को कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ी है But a um, concept altogether different, hai, hedging a concept altogether different hai from insuring. However, both are going to protect you against the possible risk to which you are, you might get exposed to.